अस्सलाम वालेकुम। आज हम फ़िश एंड राइस बना रहे हैं। फ़िश एंड राइस बनाने के लिए तिलापिया फ़िश हमने ली है आधा किलो। फ़िश आप कोई भी ले सकते हैं। टमाटर हमने मीडियम साइज़ के दो लेने हैं। टमाटरों का छिलका उतार कर बिल्कुल बारीक चॉप करना है। हरा धनिया ले लेंगे 1 से 2 टेबलस्पून बारीक चॉप किया हुआ। कुकिंग ऑयल लेंगे 1 टेबलस्पून भरकर। लहसुन और अदरक चॉप किया हुआ बारीक या पेस्ट ले लें 2 टीस्पून। लेमन जूस लेंगे 1.5 टेबल स्पून या पूरा 1 लेमन डाल लें। मसालों में हमें चाहिए नमक 1 टीस्पून या 2 टेस्ट। लाल मिर्च का पाउडर लेंगे 1 टीस्पून। धनिया पाउडर 1 टीस्पून। ज़ीरा पाउडर आधा टीस्पून। हल्दी पाउडर आधा टीस्पून। करी पाउडर 1 टीस्पून भरकर। अब हमने एक बॉल ले लेना है। फिश के ऊपर मसाला लगाने के लिए हमने तैयार करना है। इसमें हमने 2 टमाटर लिए हैं मीडियम साइज के। छिलका उतार कर बिल्कुल बारीक चॉप करना है। लहसुन अदरक पेस्ट डालेंगे 2 टीस्पून। लेमन जूस डालेंगे 1.5 टेबल स्पून या पूरा 1 लेमन निचोड़ दें। नमक डालेंगे 1 टीस्पून या फिर जितना आप खाते हैं अपने टेस्ट के मुताबिक डाल लें। 1 टीस्पून से थोड़ा सा कम ही डाल लें। हरा धनिया डाल देंगे 2 टेबलस्पून के बराबर बारीक चॉप किया हुआ। कुकिंग ऑयल डालेंगे 1 टेबलस्पून। लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे 1 टीस्पून। नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी डाल सकते हैं। करी पाउडर डालेंगे 1 टीस्पून भरकर। धनिया पाउडर डालेंगे 1 टीस्पून। ज़ीरा पाउडर आधा टीस्पून। हल्दी पाउडर आधा टीस्पून। अब हमने इन सारे मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अच्छी तरह से मसालों को हमने मिक्स करना है। मसाला हमारा फिश के ऊपर लगाने के लिए रेडी है। ये हमने फिश फिले लिए हैं आधा किलो। इसके ऊपर हमने मसाला सारा लगा देना है फिश के ऊपर अच्छी तरह से। दोनों साइडों पर मसाला हमने फिश के ऊपर लगाना है। मसाला लगाकर फिश को हमने फ्रिज में रखना है 3 घंटे के लिए। फिश को हमने मैरिनेट करना है। बहुत ही मज़ेदार चटपटी फिश तैयार हो जाती है। इस फिश को आप बेक भी कर सकते हैं। तवे के ऊपर आप थोड़ा सा तेल डालकर फ्राई भी कर सकते हैं। अब मसाले को हमने फिश के दोनों साइडों पर लगा देना है। सारा मसाला हमने अच्छी तरह से फिश पर लगा दिया है। अब फिश को हमने 3 घंटे के लिए फ्रिज में रखना है। फिश को हमने 3 आवर के लिए मैरिनेट करना है। राइस बनाने के लिए चावल हमने लिए हैं 3 कप। अगर आपके पास मेजरमेंट वाला कप ना हो तो टी वाले कप ले लें 3 कप। इनको हमने चावलों को अच्छी तरह से धोकर आधा घंटा पानी में सोक करना है। प्याज हमने मीडियम साइज़ के 2 लेने हैं। इनको हमने बारीक चॉप कर लेना है। लहसुन और अदरक की पेस्ट लेंगे 2 टीस्पून। कुकिंग ऑयल लेंगे 1/2 कप। मसालों में हमें चाहिए नमक 2 टीस्पून या 2 टेस्ट। लाल मिर्च का पाउडर लेंगे 1/2 टीस्पून। काली मिर्चें साबुत लेंगे 1 टीस्पून।
लौंग लेंगे 10, ज़ीरा लेंगे साबुत 1 टीस्पून, सफ़ेद ज़ीरा लेंगे 1 टीस्पून, हरी इलायची लेंगे 12 अदद यानी कि 12, रेजन 1 टेबलस्पून, किशमिश यानी कि 1 टेबलस्पून, बड़ी इलायची लेंगे ब्राउन कार्डिमम 3। अब हमने एक वॉक को गर्म कर लेना है। इसमें हमने कुकिंग ऑयल डालना है, आधा कप ले लें या थोड़ा सा कम ले लें, यह आपकी मर्ज़ी है, जितना आप ऑयल यूज़ करते हैं उतना ही ले लें। ऑयल को हमने थोड़ा सा गर्म करके इसके अंदर हमने प्याज डाल देने हैं। प्याज हमने मीडियम साइज के 2 लिए हैं। अब हमने प्याज को गोल्डन करना है। आग को हमने मीडियम से थोड़ा सा तेज करके प्याज को हमने गोल्डन कर लेना है। प्याज को हमने मीडियम आग पर ब्राउन कर लिया है। अब हमने इसमें लहसुन और अदरक की पेस्ट डाल देनी है 2 टीस्पून, साथ ही हमने नमक डाल देना है 1.5 टीस्पून, पहले हमने डालना है, फिर नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक कर लें। सफ़ेद ज़ीरा डालेंगे 1 टीस्पून, काली मिर्चें डालेंगे साबुत 1 टीस्पून, लौंग डालेंगे 10 यानी कि 10 लौंग डालेंगे, बड़ी इलायची ब्राउन कार्डिमम 3 डाल देंगे, हरी इलायची हमने इसमें 12 डाल देनी है 12, लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे 1/2 टीस्पून या थोड़ा सा आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं, जितना आप मिर्च खाना चाहें उतनी ही डाल लें। रेजन किशमिश डालेंगे 1 टेबलस्पून, रेजन को हमने अच्छी तरह से वॉश कर लेना है। मसाले डालकर 2 मिनट तक हमने मसालों को फ्राई करना है। थोड़ा सा इसके अंदर हमने पानी ऐड कर लेना है ताकि मसाले जो हैं ये जले ना। 2 मिनट तक हमने मसालों को पका लेना है। थोड़ा सा पानी डालने की वजह से प्याज जो है ये और जलेगा नहीं और मसालों का पूरा फ्लेवर जो है ये निकल कर आएगा। बस 2 मिनट तक हमने मसालों को इसी तरह से पकाना है। मसाले डालकर 2 मिनट तक हमने मसालों को फ्राई कर लिया है। अब हमने इसमें पानी डाल देना है। चावल हमने 3 कप लिए हैं, पानी हमने 6 कप डाल देना है। छः कप हमने नाप कर पानी रखा हुआ था, 6 कप हमने इसमें पानी डाल दिया है। अभी हम वेट करेंगे पानी में उबाला आ जाए। सारे मसालों को पानी में हमने अच्छी तरह से मिक्स करके अभी हम वेट करते हैं पानी में उबाला आ जाए। पानी में उबाला अब आने लग गया है। अब आप इसमें नमक टेस्ट कर लें, अपने टेस्ट के मुताबिक नमक कर लें। अब हमने इसमें चावल डाल देने हैं। चावल डालकर आग को हमने थोड़ा सा तेज कर देना है। हल्का सा हमने चावलों को मिक्स कर देना है। अब आग को हमने थोड़ा सा तेज करके पानी में हमने उबाला दिलवाना है। तेज आग पर 3-4 मिनट तक हमने चावलों को थोड़ी देर के लिए पकाना है। तेज आग पर चावलों को हमने 4 से 5 मिनट तक पकाया है। अब चावल जो है ये पानी में से नज़र आने लग गए हैं। अब आग को हमने हल्का कर देना है। हल्का करके इसके ऊपर हमने ढकना लगा देना है। अब चावलों को हमने दम पर लगा देना है। ये आप देख लें 12 से 15 मिनट तक आप चेक कर लें, जब तक चावल जो है गल जाएं तब तक हमने हल्की आग पर चावलों को दम पर लगा देना है। अब हमने मीडियम से आग को थोड़ा सा तेज़ करके तवे को हमने गर्म कर लेना है।
तवे के ऊपर हमने थोड़ा सा बटर रखना है। अब हमने फिश को फ्राई कर लेना है। पहले हमने एक साइड से फिश को गोल्डन करना है, गोल्डन ब्राउन करेंगे, फिर हमने दूसरी साइड से करना है। अभी हम वेट करेंगे ताकि एक साइड से फिश फ्राई हो जाए। बहुत ज़्यादा हमने फिश को पलटना नहीं है, वरना फिश जो है ये टूट जाएगी। बहुत ही मज़ेदार फिश तैयार होती है। इस फिश को आप ग्रिल पर भी बना सकते हैं, इसको आप बेक भी कर सकते हैं। ओवन को आप तेज़ हाई हीट पर चलाकर 8-8 मिनट तक दोनों साइडों से आप बेक कर लें, या आप देख लें ऊपर से गोल्डन ब्राउन हो जाए तो। बहुत हल्की आग पर हमने इसको बेक नहीं करना, ओवन को हमने तेज़ ही रखना है ताकि फिश जो है ये जूसी रहे और ऊपर से गोल्डन ब्राउन हो जाए। बहुत ही मज़ेदार फिश तैयार होती है। आप ग्रिल पर भी बना सकते हैं, तवे के ऊपर भी फ्राई कर सकते हैं, ओवन में भी पका सकते हैं, बेक भी कर सकते हैं। चावलों को हमने तकरीबन 10 से 12 मिनट तक दम पर लगाया है। चावल हमारे अब बिल्कुल गल चुके हैं। अब चावलों को हमने मिक्स कर देना है, ऊपर से ढकना हमने उठा देना है ताकि चावल जो हैं ये जुड़े ना। सारे चावलों को हमने मिक्स कर देना है। चावल हमारे रेडी हैं, आग को हमने बंद कर देना है। फिश को हमने एक साइड से पका लिया है, इसके ऊपर भी हमने थोड़ा थोड़ा बटर रखना है, इस साइड पर भी। प्लेट में जो भी मसाला बचा हुआ हो वो भी आप फिश के ऊपर डाल दें। अब फिश की हमने साइड चेंज करके दूसरी साइड से भी फिश को हमने फ्राई कर लेना है, बहुत आराम के साथ, ताकि फिश जो है ये टूटे ना। दोनों साइडों से फिश को हमने फ्राई कर लेना है। फिश को हमने दोनों साइडों से फ्राई कर लिया है। अब फिश हमारी रेडी है। अब चावल हमारे रेडी हैं, इनको हमने प्लेट में डिश आउट करना है। इसके ऊपर हमने फ्राई की हुई फिश रख देनी है चावलों के ऊपर। अब हमारे बहुत ही मज़ेदार फिश एंड राइस तैयार हैं। बहुत ही मज़ेदार फिश का टेस्ट है, चावल भी बहुत मज़ेदार हैं। साथ आप दही का रायता बनाइए पुदीने और हरे धनिए और हरी मिर्च के साथ। थोड़ा सा उसमें लेमन डाल लें, दही डालिए, नमक डालिए, मज़ेदार सी चटपटी सी चटनी आपकी तैयार हो जाएगी। इस तरह से आप चावलों के साथ चटनी खाइए, मज़ेदार सी फिश खाइए, आप भी बनाइए, खुद भी खाइए, सबको खिलाइए। अल्लाह हाफिज़। अगर आपकी कोई फरमाइश है तो आप मेरे फेसबुक पर मैसेज करें या इस वीडियो पर कमेंट्स करें। मेरे चैनल पर सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो थम्स अप दें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।